मान करूं उस मालिक का, उसके चरणों में ध्यान धरूं। जिसने यो जीवन दे रखा उस खातिर प्राण मैं दान करूं। है काल अकाल मृत्यु और दुनिया जिसके गहरे में, कैलाश पति वो शिव शंभू रहता शमशान के डेरे में। जिसकी जटा से गंगा बहती पूरे ब्रह्मांड पे है भारी, पूरे ब्रह्मांड पे है भारी। एक मैं भोड़ा एक तू भोड़ा एक मारा भोड़ा भंडारी, से सीधे संबंध प्रभु ते फिर के सोदा दुनियादारी। एक मैं भोड़ा एक तू भोड़ा एक मारा भोड़ा भंडारी, जब सीधे संबंध प्रभु ते फिर के सोदा दुनियादारी। त्याग के बैठा कहीं भक्त नहीं वो भला है ढूंढता, गुण देखें गुण गान नहीं। मैं कहता नहीं श्रद्धा है बुरी पर कर्म तराजू धर्म भाई। एक बिच्छू बम बन के यहाँ से उजा रहे हैं, बोलबम के रास्ते में है, क्या है उनका पूरा? उसका नाम निहाल कुमार जी है और हम लोगों के मोहल्ला में सहरसा में ही वार्ड नंबर 17 में उसका घर है और उसके पिताजी का नाम सुधीर कुमार सिंह है और वैसे हम लोग बहुआचा उनको बोलते हैं। वो पहले काफी बीमार थे, उनका दोनों किडनी भी फेल हो गया था और लीवर भी फेल हो गया था, लेकिन पहली बार ये बिच्छू बम बन करके जो जा रहा है, इस बार पहली बार जा रहा है बिच्छू बम बन करके, लेकिन इससे पूर्व में ये 5 बार दंड प्रणाम लेकर के गया। वही दंड प्रणाम जो देकर के गया तो महादेव के प्रति इसकी ऐसी आस्था जग गई जो वो फिर से बिच्छू बम बन करके इस बार जाने का सोचा और बिच्छू बम बन करके जा रहा है। और जब से ये महादेव के यहाँ के शरण में जब से ये जा रहा है, इनके पिताजी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और काफी अच्छे हैं। आज के डेट में आप लोग जाकर के उनको देख भी सकते हैं। कब गए हैं ये बिच्छू बम? इधर ये 3 दिन पहले से 4 दिन पहले से चलना चालू किया और लगभग इसको 6 से 7 महीना लगेगा देवघर पहुँचने में। अगर ये बीमार नहीं पड़ा तो, अगर बीच में अगर कभी स्वास्थ्य में अगर किसी भी तरह की परेशानी आती है इसको, तो वो समय बढ़ भी सकता है। ऐसे ये हम लोग अनुमान जो हम लोगों को जो अनुमान है जिस रफ्तार से ये चल रहा है उस हिसाब से ये मान के चलिए कि 6 से 7 महीना इसको लगना ही लगना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है।